दोस्तों, ये है एमएस वर्ड सीरीज की छठवीं वीडियो यानी सिक्स वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टाइप के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने होम टाइप के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, उसमें जितने भी ब्लॉक थे और उन ब्लॉक के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे, एक एक करके मैंने सभी ऑप्शंस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंसर्ट टाइप के बारे में। इस टाइप में जितने भी ऑप्शन या जितने भी ब्लॉक के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, उन सभी के बारे में मैं एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ विंडो के साथ आर प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ओपन में यहाँ पर रन बॉक्स में आपने क्या करना, टाइप करना विनवर्ड। ठीक है, मैंने विनवर्ड टाइप कर दिया और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। ठीक, तो ये एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था होम टाइप के बारे में पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इंसर्ट टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इंसर्ट टाइप को भी यहाँ पर 7 ब्लॉक में टोटल बांटा गया है। पहला जिसमें इसमें पहला ब्लॉक है वो पेजेस ब्लॉक है, दूसरा टेबल ब्लॉक है, तीसरा इलस्ट्रेशन ब्लॉक है, चौथा लिंक्स ब्लॉक है, पांचवा यहाँ पर हेडर एंड फुटर ब्लॉक है, छठवां यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक है, इसके बाद लास्ट 7 सिंबल ब्लॉक है। ठीक है, तो होम टाइप की तरह इंसर्ट टाइप को भी 7 यहाँ पर ब्लॉक में बांटा गया है। तो एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। इन सभी ब्लॉक में भी दो दो तीन तीन बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में चलिए जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला ब्लॉक है वो पेजेस ब्लॉक है और इस ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज। दोस्तों, कवर पेज जो होता है वो आप देखते होंगे बहुत सारे किताब या फिर कॉपी ऐसे आते होंगे जिस पर दफ्ती वाली या किसी भी प्रकार की उसके ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, तो वो कवर पेज इससे तैयार कर सकते हैं। वैसे वो सारे के सारे कवर्स किसी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए गए होते हैं, फोटोशॉप वगैरह वगैरह, लेकिन इससे आप नॉर्मल एक कवर पेज तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कवर पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें कुछ पहले से ये बुलेटिन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें यानी पहले से रेडीमेड कुछ कवर पेज दिए गए हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इनमें से कुछ एक ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये वाली सेलेक्ट कर ली, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसमें आप एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ईयर लिखा हुआ तो मैं यहाँ पर ईयर डाल देता हूँ। ठीक है, 2020। ठीक है, के बाद यहाँ पर टाइटल टाइटल कुछ भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइटल में मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रगल इज लाइफ। ठीक है, स्ट्रगल इज लाइफ मैंने टाइटल दे दिया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर और भी दिया हुआ है डार्क टाइप ऑफ द कंपनी नेम। एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पर ट्रेन का नाम है। ठीक है, तो सपोज दैट मैं किसी कॉपी का या फिर किसी रजिस्टर का कवर पेज तैयार कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ राजीव। ठीक है, राजीव, और ये ऑलरेडी यहाँ पर डेट पड़ा हुआ है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कवर पेज तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ से आप इसमें शेप्स लगा सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड का कलर चेंज। इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही होता है कि आप इससे नॉर्मली कवर पेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, इसके जस्ट बाद यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज। दोस्तों, ब्लैंक पेज का इस्तेमाल होता है एक खाली पेज, ब्लैंक का मतलब खाली होता है, खाली पेज इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक, या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे पास एक ही पेज है,
इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक ही पेज है और मैं एक पेज और इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा पहला वाला पेज ब्लैंक रहे और साइड में एक पेज और इंसर्ट हो जाए, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, इस पर नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्लिक करके देखता हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। आप देख पा रहे होंगे ये एक पेज एक्स्ट्रा है और दूसरे पेज पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यानी एक पेज तो है ही, एक नया पेज इंसर्ट हो चुका है ब्लैंक पेज पर क्लिक करते ही, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज होता है एक नया पेज इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। या नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है पेज ब्रेक। दोस्तों पेज ब्रेक का इस्तेमाल होता है पेज को तोड़ने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर तीन पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ यहाँ पर है और एक पैराग्राफ यहाँ पर है, ठीक है। इसमें तीन पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक। मैं चाहता हूँ ये तीनों पैराग्राफ तीन अलग अलग पेज में हो जाएं। तो इसके लिए या तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, या फिर कट पेस्ट करूँगा, ठीक। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको पेज ब्रेक कर दूं, यानी पेज को तोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि ये पहला पैराग्राफ पहले पेज में रहे, दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज में चला जाए, तीसरा पैराग्राफ तीसरे पेज में चला जाए। तो इसके लिए कट कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं पेज ब्रेक करके भी इसको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अब जैसे मानते हैं मुझे ये इतना पार्ट दूसरे पेज में ले जाना है, यानी ये दो पैराग्राफ मैं चाहता हूँ ये वाला पैराग्राफ पहला पहले वाले पेज में रहे, बाकी के दोनों दूसरे वाले पेज में चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ही पेज है अभी हमारे पास, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इस पैराग्राफ के जिस जहाँ से आप उस पैराग्राफ को यानी उस पेज को तोड़ना चाहते हैं, उसके पैराग्राफ के फर्स्ट वाले लाइन में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कर्सर को क्लिक कर देना है, यानी अपने माउस पॉइंटर को वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये टूट कर दूसरे नए पेज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और पहला वाला पेज खाली हो जाएगा और उसमें एक पैराग्राफ सिर्फ रहेगा, ठीक। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे होंगे पहले वाले पेज में एक पैराग्राफ है, बाकी के नीचे वाले पेज में दो पैराग्राफ है, ठीक है। और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक। अभी आप देख पा रहे होंगे पहले वाले पेज में एक पैराग्राफ है, बाकी के दोनों पैराग्राफ दूसरे वाले पेज में आ चुके हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये तीसरा वाला जो पैराग्राफ है वो तीसरे पेज में चला जाए, दूसरे वाले पैराग्राफ में भी एक ही पैराग्राफ रहे, सॉरी दूसरे वाले पेज में भी एक ही पैराग्राफ रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टू के सामने जो टू दिखाई दे रहा है इसके सामने आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार ब्रेक पेज पे क्लिक कर देना। जैसे मैं ब्रेक पे क्लिक करूँगा, ये तुरंत जो लास्ट वाला पैराग्राफ हो वो तीसरे पेज में ऐड हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देख पा रहे होंगे तीनों पेज में एक एक पैराग्राफ हो चुका है, ठीक है। तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल होता है दोस्तों बेसिकली हमेशा के लिए पेज को ब्रेक करने के लिए, पेज को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये था पेजेस ब्लॉक, इसमें तीन ऑप्शन थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है टेबल ब्लॉक। टेबल ब्लॉक में दोस्तों एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है टेबल। तो चलिए टेबल के बारे में जान लेते हैं। इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ और पेज को जूम इन कर देता हूँ, ये 100% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ टेबल। दोस्तों टेबल का इस्तेमाल होता है पेज में टेबल बनाने के लिए या इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास कोई डाटा है जो कि अगर आप उस डाटा को लाइन में नहीं रखना चाहते हैं, आप उसको अलग अलग सेपरेट रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टेबल का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो नंबर वाइज रखना चाहते हैं और लाइन में नहीं, उसको अलग अलग किसी भी डाटा के बारे में एक से अधिक जानकारी है और उसको कैटेगरी वाइज या फिर अलग अलग रखना चाहते हैं, तो टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होकर के आता है, ठीक है। इसमें इस तरह से टेबल दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर लाऊंगा यहाँ पर टेबल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये जो लाइन है इसको कहते हैं दोस्तों, ये है रो, ठीक है। यानी जैसे ही मैं यहाँ पर एक टेबल जो है, ये यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 10x8 का टेबल है, ठीक है। यानी टोटल 80 यहाँ पर सेल हैं, यहाँ पर 10 कॉलम हैं और 8 रो है, ठीक है। यानी रो की संख्या कितनी है, 8 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 रो है और 10 कॉलम है, ठीक। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर किसी का नाम ऐड करना, फादर नेम ऐड करना, और कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना, और एड्रेस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ मुझे ऐड करने हैं, तो इसके लिए मुझे 4 कॉलम की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले 4 कॉलम यहाँ पर से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये 1, 2 और 3 और ये 4 4 कॉलम मैंने ऐड कर लिया, ठीक। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया फादर्स नेम, ये मैंने लिख दिया फादर्स नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, ठीक है। अभी ये हो गया 4 कॉलम हो गया यहाँ पर। और अभी ये रो की बात करें तो रो एक ही है, ठीक है। रो जो होता है वो दोस्तों लेफ्ट से राइट की ओर चलता है, और जो कॉलम होता है वो अप से डाउन की तरफ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक और टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक और मुझे रो इंसर्ट करना है उसके नीचे इसकी इंफॉर्मेशन भरने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे और एक बार टैब करेंगे तो उसके जस्ट नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी बार यहाँ पर टैब करेंगे उतनी बार एक नया ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर उसके फादर का नेम लिख सकते हैं, इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर उसका लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका एड्रेस जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप टेबल का इस्तेमाल करके किसी भी डाटा को सेपरेट यानी अलग अलग रख सकते हैं, ठीक। कैटेगरी वाइज या फिर जिस तरह से भी आप रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आपके सामने टेबल से जुड़ी दो अलग अलग टैब्स ओपन हो जाते हैं। पहला है यहाँ पर डिज़ाइन टैब और दूसरा है लेआउट टैब, ठीक है। ये दोनों टैब तब शो होता है जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं, ठीक। तो टेबल को इंसर्ट करने के बाद ये दोनों टैब शो होने लगते हैं। वो इन सभी के बारे में मैं एक्सेल में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल हैं, ठीक है। और इन सभी ऑप्शंस के बिना आप एक्सेल में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस लेआउट टैब में हैं उन सभी की जानकारी मैं आपको एक्सेल में दूंगा। और इसमें डिज़ाइन टैब के बारे में मैं अगली वीडियो में जानकारी दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको कैलेंडर बनाना बताऊंगा कि आप कैसे कैलेंडर बना सकते हैं। तो उसमें मैं डिज़ाइन टैब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक। तो चलिए इसके बाद आगे के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं टेबल के। तो इसके जस्ट नीचे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है इंसर्ट टेबल, और दूसरा आ रहा है ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो चलिए इंसर्ट टेबल के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इस टेबल को डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद डिलीट, यहाँ से मैं इस टेबल को पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर टेबल इंसर्ट टेबल दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ से ये जो टेबल का रो और कॉलम दिया हुआ है, यहाँ से आप मैक्सिमम 10x8 का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर उससे ज़्यादा आप इंसर्ट करना चाहते हैं तब कैसे करेंगे, इसके लिए आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे नंबर यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कॉलम में आप कितना कॉलम चाहते हैं यहाँ पर फिल करना होगा आपको, और कितना रो चाहते हैं उस टेबल में यहाँ पर उसके लिए फिल करना होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 15x, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 15x5 का टेबल इंसर्ट हो जाए, ठीक है। यानी 15 कॉलम हो उसमें और 5 रो हो। इसके बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15x5 का टेबल इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी 15 कॉलम और 5 रो टोटल यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट हो चुका है, ठीक।
इसके जस्ट नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। अगर आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, इससे भी आप टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंसिल जैसा आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है जिस तरह से आप टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, एक टेबल बन चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बीच में एक लाइन रहे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ऐसे नीचे की तरफ खींच दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये एक सेल बन चुका है, यहाँ पर भी मैंने खींच दिया ऐसे। ठीक है, दो हो गया, फिर यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार हो गया। ठीक है, इस तरह से आप खींच सकते हैं लाइन, इसमें भी बीच में आप लाइन खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से, इसमें ये पूरी तरह से फ्री है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से लाइन खींच सकते हैं और किसी भी एंगल में खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा सीधी लाइन खींचता है, तो इस तरह से आप टेबल यहाँ से आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, और इसके बाद यहाँ से डिलीट टेबल पे, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, और इन सभी के बारे में जितने भी इससे जुड़े ऑप्शंस आ रहे हैं, इन सभी के बारे में अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टेबल्स ब्लॉक के बाद नेक्स्ट ब्लॉक है इलस्ट्रेशन ब्लॉक। इसमें पांच ऑप्शन टोटल दिए गए हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट का। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन पिक्चर। दोस्तों, पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल होता है अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप किसी टॉपिक पर वर्क कर रहे हैं और उसमें किसी पिक्चर की ज़रूरत पड़ गई है आपको। ठीक है, या फिर आपके पास कोई ऐसा पिक्चर अवेलेबल है जिसको आप अपने टॉपिक पे शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए सपोज दैट मैं किसी टॉपिक पर एसे लिख रहा हूँ, और या फिर मैं किसी टॉपिक पर वर्क कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसके उससे संबंधित मुझे कोई पिक्चर लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे। तो सपोज दैट मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर लगाना है। ठीक है, तो मैंने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जहाँ पर भी आपका पिक्चर होगा वहाँ आपको चले जाना है। तो सपोज दैट मेरा पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, और ये मैं पेगविंस ले लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से आप इसमें पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे आपके सामने एक फॉर्मेट नाम का टैब ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पिक्चर टूल्स है, इसमें पिक्चर से संबंधित जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो इसमें ऐड रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पिक्चर से संबंधित जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जो भी पिक्चर्स पे अप्लाई होने वाले फॉर्मेट्स हैं, यानी इस फॉर्मेट टाइप में जितने भी ऑप्शंस हैं, एक एक करके मैं सभी ऑप्शंस के बारे में पिक्चर पे अप्लाई करके मैं एक एक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसमें इतना ही बता पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट होता है आपने ये देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ ऑप्शन क्लिप आर्ट। दोस्तों, पिक्चर की तरफ क्लिप आर्ट भी होते हैं, लेकिन अगर आप पिक्चर आउटसोर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, यानी आप कहीं से भी डाउनलोड करके इंसर्ट कर सकते हैं, बट क्लिप आर्ट इसमें आपके एमएस वर्ड प्रोग्राम में पहले से इनबिल्ट होते हैं, उसमें पहले से ऐड होते हैं। ठीक है, आप क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कंप्यूटर पर एग्जाम्पल के लिए मैं एस से लिख रहा हूँ। ठीक है, और मुझे इसमें कंप्यूटर का चित्र दिखाना है। ठीक, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पर क्लिप आर्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से कुछ क्लिप आर्ट का बॉक्स खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, या फिर किसी भी चीज़ का आप यहाँ से इंसर्ट इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर लिख दिया, और इसके बाद गो पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर इसमें इमेज दिए गए थे पहले से, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी आपको कंप्यूटर वाला इमेज पसंद हो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है,
और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब ये एग्जांपल, ये मेरा कंप्यूटर का इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से ये क्लिप आर्ट है, इसे आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी फाइल में या किसी भी मैटर के पास। अगर आप किसी भी प्रकार का इमेज या क्लिप आर्ट दिखाना चाहते हैं तो आप ये इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोडेड नहीं है, ये पहले से आपके प्रोग्राम में यानी एमएस ऑफिस प्रोग्राम में दिया गया होता है, ठीक है। तो अभी के लिए क्लिप आर्ट तक ही, इसके आगे के ऑप्शंस में आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शंस बचे हुए हैं मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे दूं, ठीक। क्योंकि ये वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, तो अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।